हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इंट्राडे एक्सपर्ट में, जहां हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी को डेली एनालाइज करते हैं। आज हम लोग एक डिफरेंट टॉपिक में वीडियो बना रहे हैं। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कौन से होते हैं, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं, अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारे कैंडलस्टिक्स के नाम मालूम होंगे, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, हम लोग ट्रेड कैसे लेते हैं, पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को और 5 बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को। देखिए, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ताकि बनाने में टाइम जो है वो सेव हो सके। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि करके सबका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। तो विद नेम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और उसका इंटरप्रिटेशन, कौन सा सुपर बुलिश कैंडल है, कौन सा सुपर बियरिश कैंडल है, कौन सा मींस बुलिश कैंडल है, कौन न्यूट्रल है, और कौन सा मींस बोल सकते हैं कि कम बुलिश कैंडल है, कौन सा ज्यादा बियरिश कैंडल है, कौन सा कम बियरिश कैंडल है, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बियरिश कैंडल, ये पांचों ही बियरिश कैंडल है और ये पांचों ही आपका बुलिश कैंडल है। बट अगर आपको समझना पड़ेगा कि पांचों में एक्सट्रीम बुलिश कौन सा है, सुपर बुलिश कौन सा है, कौन सा कम बुलिश है, उसी तरह पांचों क्या है, बियरिश कैंडल है। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा एक्सट्रीम बियरिश कैंडल है, कौन सा न्यूट्रल बियरिश कैंडल है। तो ये हम लोग इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़िए। अगर आप नए हैं और अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। इसमें आपको ₹1 नहीं करना है, आप लिंक से जुड़ जाइए। इसमें सारा अपडेट, लाइव मार्केट में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या ना कर रहे हैं, हम लोग कौन सा ट्रेड ले रहे हैं, कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, सब कुछ इन डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल फ्री चैनल है, इसमें जुड़िए, आपको लर्निंग भी होगा और आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ये 5 है। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे, देन डिस्कस करेंगे हम लोग बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बुलिश कैंडलस्टिक में जो नंबर 1 है, जिसका नाम है, इसे कहते हैं हम लोग मारुबुजू। क्या कहते हैं इसे, मारुबुजू बुलिश कैंडल। ये ग्रीन में अगर इसको बोलेंगे मारुबुजू बुलिश कैंडल। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ओपन और क्लोज दोनों अगर चेक करेंगे कि प्राइस जहां पे ओपन होगा वही इसका लो रहेगा, मतलब देयर इज नो लोअर विक्स। अगर आपको विक्स का आइडिया है तो मालूम होगा, इसमें देखिए कोई टेल नहीं है, या फिर टेल अगर होगा तो देखिए एकदम लाइट इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा, छोटा सा होगा। देखिए अगर टेल अगर होगा तो एकदम इतना छोटा सा होगा, इतना छोटा, ठीक है, बड़ा नहीं होगा। बॉडी काफी बड़ा होगा, जहां ओपन होगा मार्केट, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या कोई स्टॉक हो, ये सब में काम करता है। आप इंडेक्स में भी काम कर सकते हैं और स्टॉक में भी काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्राइस जहां पे ओपन होता है वहीं से बुलिश मोमेंटम पकड़ता है, बुल पावर एक्टिव होता है मार्केट में, और यहां से एक्सेसिव बाइंग आता है। जो जोन में क्लोज होता है वो इसका हाई होता है, मतलब हाई इक्वल टू, आप बोल सकते हैं हाई इक्वल टू क्लोज एंड ओपन इक्वल टू लो। तो ये सुपर बुलिश कैंडल होता है, दिस इज द नंबर 1 टाइप। अब आपको समझना पड़ेगा कि कैंडलस्टिक, आप जो आप सीखने वाले हैं, आज जो हम लोग सीखने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न, जो हम लोग सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक्स, ओके। तो कैंडलस्टिक्स का आपका रोल कहां पे आएगा, इसका मेन रोल है बीटीएसटी ट्रेड में। इसका मेन रोल कहां है, बीटीएसटी ट्रेड में, बाय टुडे सेल टुमारो। अगर आपको पता होगा तो बाय टुडे सेल टुमारो क्या होता है, अगर आप आज बाय करेंगे और हम लोग इसको कल बेचेंगे, मतलब इसको आपको बाय करना है 3:15 में, 3:20 में, मतलब मार्केट क्लोज होने से पहले हम बाय कर लेंगे। इस तरह का कैंडल जब हमको नजर आएगा तो ये एक हम लोग प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि कल ये मार्केट ऊपर रहेगा, कल मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा और कल मार्केट ऊपर जाएगा। तो अपने आज क्या करते हैं, हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो क्या बाय करेंगे, कॉल बाय करेंगे, सी बाय करेंगे। तो इस कैंडल को देखते हैं, हम लोग सी बाय करते हैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि नेक्स्ट डे मार्केट इस हाई के ऊपर खुलेगा, ओपन होगा, या फिर इसके हाई को जरूर ब्रेक करके अपना अपर साइड रैली को कंटिन्यू करेगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न मेनली यूज होता है बीटीएसटी ट्रेड में, स्विंग ट्रेड में, ओके। तो अगर मारुबुजू कैंडल बनेगा ग्रीन में, बुलिश मारुबुजू बनता है, तो अपने कॉल बाय करते हैं। ये सुपर बुलिश कैंडल है, नंबर 1, दिस इज द नंबर 1 टाइप। नंबर 2, इस कैंडल का नाम है बिग डब्बा कैंडल, जापानीज नाम है बिग डब्बा कैंडल। इसमें क्या होगा, देखिए बॉडी काफी बड़ा रहेगा और इसमें विक्स भी रहेगा, थोड़ा लोअर विक्स भी रहेगा और अपर विक्स भी रहेगा, मतलब डे का लो को इंडिकेट करेगा और ये डे का हाई को इंडिकेट करेगा, ओके। ये भी बुलिश कैंडल है, बट अगर कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादा एक्सट्रीम बुलिश कैंडल है और ये उसके इससे थोड़ा कम बुलिश कैंडल है, ठीक है। बट ये भी बुलिश कैंडल है, इसमें भी अपने कॉल बाय करते हैं 3:15 में, ये एक्सपेक्टेशन के साथ इसको अपने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 9:15 to 9:20 में इसको एग्जिट कर देंगे, या फिर जब नेक्स्ट डे अगर मोमेंटम इसका हाई के ऊपर निकलेगा प्राइस, देन इसको एग्जिट कर देंगे अपना ट्रेड को और प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। तो ये भी बुलिश कैंडल है।
अच्छा ये ऐसा ऑर्डर बनाया गया है, ये एक ऑर्डर में सजाया गया, मतलब ये मोर बुलिस, ये इससे थोड़ा कम बुलिस, ये इससे कम बुलिस, इस तरह से सजाया गया है। ओके तो आप एक वन बाय वन देखते जाइए। नंबर वन मारुबुजू, नंबर टू बिग डब्बा कैंडल, इसमें भी अपने कॉल बाय करेंगे। नंबर थर्ड इस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल, ये भी अच्छा बुलिस कैंडल है, बहुत पावरफुल कैंडल होता है, बहुत रेयर बनता है बट बहुत ज्यादा वर्क करता है। हैमर कैंडल भी एक बुलिस कैंडल है, क्यों देखिए प्राइस एक वक्त कितना नीचे आ चुका था, प्राइस कितना नीचे तक आ चुका था प्राइस। हैमर का खासियत होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है, इसका जो बॉडी होता है ना, इसका विक्स का डबल होता है, इसका जो विक्स है ना, मतलब इसका विक्स डबल होगा, मतलब जितना इसका बॉडी रहेगा इससे ज्यादा डबल, टू डबल्स या थ्री टाइम बोल सकते हैं आप, डबल या ट्रिपल बोल सकते हैं, इससे ज्यादा विक्स रहेगा, लंबा रहेगा। ये इंडिकेट करता है कि एक टाइम में प्राइस इस जोन पे ट्रेड कर रहा था, इस जोन पे ट्रेड कर रहा था, इस जोन पे ट्रेड कर रहा था, बट अल्टीमेट मार्केट में रिकवरी आया, बुल पावर एक्टिव हुआ एंड देन प्राइस क्लोज अपने ओपन से ऊपर कर रहा, ये हैमर है। तो लोअर विक्स अगर लंबा है तो ये मार्केट में स्ट्रेंथ का साइन होता, तेजी का साइन होता, लोअर विक्स लंबा होना एक पॉजिटिव मार्केट में निशानी होता कि मार्केट ने एक टाइम में अपने आप को रिकवर किया है पूरा। लोअर विक्स हमेशा स्ट्रेंथ दिखाता है, स्ट्रेंथ मजबूती, ठीक है, मतलब साइन ऑफ बुल, साइन ऑफ परचेस दिखाता। सोचिए एक वक्त प्राइस कितना नीचे था, इस जोन पर ट्रेड कर रहा था, इस जोन पर ट्रेड कर रहा था, इस जोन पर ट्रेड कर रहा था, एंड फाइनली क्लोज कहाँ किया प्राइस, इतना ऊपर आकर क्लोज किया, इस जोन पर क्लोज किया, तो ये एक अच्छा साइन होता है। अपने यहाँ पे कॉल बाय करते हैं 3:15 में, 3:20 में, एंड देन इसको कैरी करते हैं अपना पोजीशन को फॉर द नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम लोग को अच्छा मुनाफा देखने को मिलता है हैमर कैंडल में। ओके एंड दिस इज नंबर थ्री टाइप। नंबर फोर, ये नंबर फोर है हमारा, इसका नाम है स्पिनिंग टॉप, लट्टू की तरह दिखा, देखिए टॉप जो होता है ना उसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ये दोनों में फर्क अगर देखेंगे दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, बट हैमर में कोई अपर विक्स नहीं होता, देर इज नो अपर विक्स, और स्प्रिंग टॉप में हमारा अपर विक्स देखने को मिलता है छोटा सा। ओके तो ये भी बुलिश कैंडल का निशानी है, अपने यहाँ पे कॉल बाय करते हैं और नेक्स्ट डे ये एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइस इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर एक बार आएगा तो अपने यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर फोर्थ टाइप जिसका नाम है स्प्रिंग टॉप, एंड नंबर फिफ्थ टाइप जिसका नाम है, हम उसको बोल सकते हैं इन्वर्टेड हैमर, इसको क्या बोलेंगे अपने इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। तो ये भी एक टाइप का बुल कैंडल है बट ये न्यूट्रल है, देखिए चेक कीजिए, अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे नंबर वन ये सुपर बुलिस है, नंबर टू ये इससे थोड़ा कम बुलिस है, नंबर थ्री ये इससे थोड़ा कम बुलिस है, नंबर फोर ये इससे थोड़ा कम बुलिस है, मतलब ये ऑर्डर में आपको दिखाया गया है, मतलब बुलिस इस तरह का दिखाया गया, ठीक है, मतलब ये मोर बुलिस, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, तो ये भी एक बुलिस कैंडल है। ओके इसका नाम है, हम लोग इसको बोल सकते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो ये था पांच हमारा, ये पांच कैंडल हमारा जिसको हम लोगों ने अभी डील किया है, जिसको हम लोगों ने अभी डील किया है बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बोल के, ठीक है। तो अब हम लोग अपने डील करने वाले हैं बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न, इसको अब हम लोग डील करेंगे। ओके इसमें भी पांच एग्जांपल दिया गया आपको, तो ऑर्डर ऐसी आपको सजाया गया है, देखिए इसी टाइप का, मतलब ये जरा मोर बेयरिश होगा, ये उससे कम बेयरिश, ये उससे कम बेयरिश, ऐसा करके सजाया गया है। तो आपको नाम जानना पड़ेगा और उसका इंटरप्रिटेशन समझना पड़ेगा कि अपने यहाँ पे कैसे ट्रेड लेते हैं। नंबर वन टाइप जो है इसका नाम है बेयरिश मारुबुजू कैंडल, इसमें क्या होगा, जो ओपन होगा, ये जो ओपन है और यहाँ पे इसका क्लोजिंग है, मतलब ओपन और हाई दोनों सेम होगा, देयर इज नो अपर विक्स, या फिर विक्स अगर होगा ना तो बहुत ही छोटा होगा, लिटिल बहुत ही छोटा होगा, इस टाइप से होगा। तो इसमें क्या होगा, आप बोल सकते हैं कि ओपन और इसका हाई ऑलमोस्ट सेम रहेगा, क्लोज और इसका लो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अपने बोल सकते हैं कि प्राइस जहां पे ओपन हुआ, मार्केट ने जहां पे ओपन किया, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे वो स्टॉक्स हो, कुछ भी हो, तो जहां पे प्राइस ओपन होता है वही उसका हाई लगता है, मतलब वहीं से सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट में, पैनिक सेलिंग आता है मार्केट में, और वहां से अपना डाउन साइड डाली मार्केट कंटिन्यू करता है, करते 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 3:15, 3:20 में प्राइस जहां पे लो होता है वहीं पे क्लोजिंग करता है, मतलब लो के आसपास करता है, तो इसको बोलेंगे एक्सट्रीम बेयरिश कैंडल। इस सिचुएशन में अपने ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट इस लो के नीचे ओपन हो, या इसके लो को इमीडिएटली नेक्स्ट डे इसको ब्रेक करके अपना डाउन साइड डाली को कंटिन्यू करेगा। तो इस सिचुएशन में अपने पुट बाय करते हैं, पीई क्या बाय करते हैं, पीई बाय करते हैं, अपने ऑप्शन सेलर है, सॉरी ऑप्शन बायर है, तो ऑप्शन बायर है तो हम लोग क्या करेंगे, पीई मार्केट को शॉर्ट करेंगे, मतलब पीई बाय करेंगे। तो अपने यहाँ पे पीई बाय करते हैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि नेक्स्ट डे मार्केट इस लो के नीचे खुले, या फिर जहां भी फ्लैट खुल के इस लो को ब्रेक करके अपना डाउन साइड रैली को स्पीड से कंटिन्यू करे। ये हो गया हमारा नंबर वन एग्जांपल। नंबर टू इसका नाम है बिग डब्बा कैंडल, इसको बोलते हैं बिग बेरिश कैंडल। ओके बिग डब्बा बेरिश कैंडल, इसमें क्या होगा, बॉडी काफी बड़ा रहेगा और विक्स होगा, अपर विक्स भी होगा एंड लोअर विक्स भी होगा, जो इंडिकेट करता है डे हाई प्राइस एंड डे लो प्राइस को। इसमें भी क्या होता है, अपना ओपन से क्लोजिंग प्राइस काफी नीचे होता है, जो मार्केट का बेरिशनेस को शो करता है, ये बेरिशनेस एक्सपेक्टेशन होता है कि नेक्स्ट डे ये बेरिशनेस का जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट डे और ये लो को भी ब्रेक करेगा। तो अपने इस सिचुएशन में अपने यहाँ भी पुट बाय करते हैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ, कल अपने प्रॉफिट करेंगे
बिकॉज प्राइस इसके लो के नीचे खुले या फिर फ्लैट खुल के इस लो को ब्रेक करे और अपने प्रॉफिट बुक करे। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर टू टाइप बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का। नंबर थर्ड टाइप, इसको हम लोग डील करने वाले हैं। इसको देखिए, आपको इन्वर्टेड हैमर जैसा दिखा देगी, अगर चेक करेंगे इसको और इसको चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों क्या है, इन्वर्टेड हैमर है। ये ग्रीन में है इसको बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर, ये हो गया बुलिश कैंडलस्टिक। अगर रेड में है तो उसको इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे। ओके, इसको अपने बोलेंगे शूटिंग स्टार बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपने? शूटिंग स्टार कैंडल बोलेंगे, शूटिंग स्टार। हाँ, इसका बॉडी थोड़ा और पतला भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझिए दोनों में क्या है, दोनों फर्क क्या है। इसको आप कंपेयर कीजिए इसके साथ, खाली कलर का फर्क है। देखिए, अगर ग्रीन में है तो इसको अपने बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलेंगे, और अगर रेड में हो गया तो इसको अपने बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर नहीं बोलेंगे, इसको अपने बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल, जो कि एक बेरिश कैंडल का एक टाइप है। ओके, तो इस सिचुएशन में भी अपने देखिए इसमें क्या हुआ, प्राइस एक बार कितना ऊपर ट्रेड करता है, इस जोन पे प्राइस काम कर रहा था, बट वहां से फॉल आ गया। फॉल आके प्राइस क्लोज कहाँ पे किया, इस जोन पे क्लोज कर रहा है। यहाँ एक क्लोजिंग पॉइंट हो गया, इसको ओपन पॉइंट है। ओके, प्राइस एक बार क्या हुआ, बुल रैली कंटिन्यू किया था, प्राइस इस जोन पे आ गया था, इस जोन पे आ गया था, देन वहां से फॉल आया, अब प्राइस जाके क्लोज कहाँ किया, अपना ओपन के नीचे क्लोज किया। तो इससे साबित हो रहा है, इससे मालूम हो रहा है कि अपर विक्स अगर लंबा है, जब भी अगर अपर विक्स अगर लंबा होगा तो ये बेरिशनेस का साइन होता है। जिस तरह मैंने अभी क्या कहा, अगर लोअर विक्स लंबा है तो ये स्ट्रेंथ का साइन होता है। लोअर विक्स लंबा होना मतलब बुल पावर एक्टिव है मार्केट में, क्योंकि प्राइस अपने आपको रिकवर कर चुका है, क्लोजिंग ऊपर दे रहा। और अपर विक्स अगर लंबा है तो ये डाउनफॉल का निशानी होता है। सोचिए प्राइस एक बार कितने ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से फॉल आया, एंड देन प्राइस अपना ओपन से भी नीचे आ गया। तो ये बियर मार्केट का निशानी होता है। तो अगर ये कैंडल हम लोग को मिलेगा 3:15 में, 3:20 में निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो अपने ये एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट डे मार्केट ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, ये जो लो पॉइंट है, इसके नीचे ही ओपन होगा, आइदर फ्लैट खुल के इस लो को ब्रेक करके अपना डाउनसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू करे। तो अपने यहाँ पे एक पी बाय करते हैं एंड नेक्स्ट डे प्रॉफिट बुकिंग करने की तैयारी करते हैं। ये हो गया, दिस इज नंबर थर्ड टाइप। नंबर फोर्थ, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड स्प्रिंग टॉप। इन्वर्टेड स्प्रिंग टॉप ये भी एक टाइप का बेरिश कैंडल का टाइप है। इसमें भी क्या होता है, आप चेक कीजिए, दोनों में सेम, यहाँ पे लोअर विक्स नहीं है इसलिए थोड़ा ज्यादा बेरिश है, इसमें लोअर विक्स है तो ये थोड़ा सा कम बेरिश है, बट ये भी बेरिश कैंडल है। ओके, इसमें क्या होगा, प्राइस देखिए, इसमें भी एक बार प्राइस इस जोन पे ट्रेड कर रहा था, हाई बना रहा था, अपर विक्स मतलब क्या, डे हाई, ये जगह में मार्केट का हाई लगा हुआ था। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी, तो एक वक्त था इंट्राडे में या कोई टाइम में इस जगह पे ट्रेड कर रहा था, देन सस्टेन नहीं किया, वहां से सेलिंग प्रेशर आया, वहां से सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को पुल बैक किया, मतलब प्राइस क्या किए, पुल बैक किए, नीचे लाए एंड देन यहाँ पे लगा क्लोज कर दिए। तो ये भी आल्सो क्या है, इसको भी बोल सकते हैं बेरिश कैंडल का ये भी टाइप है। इस कैंडल स्टिक्स में भी अपने पी बाय करते हैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ नेक्स्ट डे ये लो ब्रेक करे और अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ओके, एंड नंबर फिफ्थ टाइप, इसको आप देखेंगे, इससे कॉम्पेयर कीजिए, देखिए आपको दोनों सेम लग रहा होगा, ये और ये सेम लग रहा होगा। देखिए, अगर हैमर बनता है ग्रीन में, अगर ग्रीन हैमर बनता है तो ये बुलिश कैंडल का टाइप बन जाता है और ये दिखाता है कि मार्केट नेक्स्ट डे हाई को ब्रेक करेगा। ओके, अगर ग्रीन में है तो इसको बोलेंगे हम लोग हैमर बोलेंगे। ओके, इस टाइप में ये जो बॉडी और विक्स आपका डबल डबल रहेगा ना, बॉडी से डबल साइजिंग क्या होगा, डबल या ट्रिपल साइजिंग विक्स होता है। अगर ग्रीन में बनता है तो अपने इसको हैमर बोलते हैं, अगर रेड बनता है तो अपने इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। ओके, तो हैंगिंग मैन बेरिश कैंडलस्टिक्स का एक निशानी होता है। अगर ये ग्रीन बन गया तो ये हैमर बन गया। ओके, अगर ग्रीन में बना तो हैमर, बट अगर रेड बना, सेम पैटर्न देखिए, सेम साइजिंग सब कुछ सेम, बट अगर रेड बन गया तो इसको अपने बोलेंगे ये हैमर नहीं है, ये क्या है, हैंगिंग मैन है। और हैंगिंग मैन और हैमर में फर्क ये होता है, हैमर बुल पावर का निशानी होता है, बुल साइन शो करता है, और हैंगिंग मैन बियर पावर को शो करता है, ये बेरिशनेस शो करता है मार्केट में, बेरिशनेस। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट जहां भी खुले, चाहे फ्लैट खुले या इसके मीन्स क्लोजिंग के नीचे खुले, तो अपना एक बार लो को टेस्ट करने जरूर आएगा, लो को टेस्ट करने काफी अच्छा आपको टारगेट मिलेगा, लो तो काफी नीचे है ना, तो लो काफी नीचे है, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रेड में है तो प्राइस चाहे वो गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुले या थोड़ा सा गैप डाउन खुले, एक बार वापस से इसको रिटेस्ट करना जरूर आएगा लो को, या हो सकता है लो को ब्रेक भी कर दे। तो ये अपने ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आइदर लो को रिटेस्ट कर ले मार्केट या फिर लो को ब्रेक ही कर दे, ब्रेक करके अपना डाउनसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू करे। इस सिचुएशन में भी अपने क्या करते हैं, 3:15 में अपने पी बाय करते हैं, पी पुट ऑप्शन बाय करते हैं 3:15 में, 3:20 में, मतलब बिफोर क्लोजिंग 3:30 से पहले बाय करना होता है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट डे अपने प्रॉफिट एंजॉय करेंगे। तो ये था हमारा पांच बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और ये पांच बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा समझ में आया होगा, आपको बहुत
आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, इसमें जोड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।